हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के बल्क रूपी के गांव में विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत मामले में न्याय की गुहार लगाने के लिए उनके साथ पढ़ाई करने वाले द्रोणाचार्य कॉलेज के छात्र एडीसी कांगड़ा के पास पहुंचे। उन्होंने मांग उठाई है कि एक सप्ताह से भी अधिक समय होने पर भी अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। इसके साथ ही संदिग्ध अवस्था में हुई मौत को लेकर पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण इशिता शर्मा को न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने एडीसी के माध्यम से प्रदेश सरकार पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और इस संबंध में जल्द से जल्द उचित कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है। नाम शिवानी है, मैं द्रोणाचार्य के कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मैं बीएडी करती हूँ और ईशा कटोच की क्लासमेट थी, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और हम उसके लिए जस्टिस के लिए आवाज़ उठाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। आज हमने विज्ञापन एडीसी को दिया ताकि उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्द से जल्द आए और इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द हो, ताकि कुछ भी जल्द से जल्द उसको न्याय मिले। पुलिस काम कर भी रही है तो स्लो कर रही है, क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी। आज एक हफ्ता दो दिन हो गए लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं है, और उसका हस्बैंड उससे दो दिन के बाद, उसके मर्डर के दो दिन या सुसाइड जो भी है उसके दो दिन के बाद उसका वीडियो वायरल हुआ। उसके पास फ़ोन कहाँ से आया? उसने अगर अपनी स्टेटमेंट देनी हुई थी तो न्यूज़ वालों के थ्रू दे सकता था, वो फ़ोन से उसने अपनी वीडियो वायरल करी फेसबुक पे, तो वो भी कहाँ से हुई क्या हुई वो भी हमें जानना है, सब पब्लिक को भी जानना है। इसलिए हम इकट्ठा हुए हैं कि पोस्टमार्टम और वो वीडियो बाहर से वायरल क्यों हो रही है।